सब गाइस, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सजन, आप देख रहे हैं सैड गेमर। आज हम दोबारा से आज को न्यू कमेंट में वीडियो लेकर, तो गाइस आज हम काफी दिनों बाद दोबारा से कोई नई वीडियो लेकर, एटलीस्ट गाइस पूरा एक हफ्ता हो चुका है, उससे ज्यादा ही हो चुके गाइस। तो गाइस आज हम जो गेम दोबारा से खेलने जा रहे हैं उसका नाम है ARK सर्वाइवल एक्सप्लोरर। तो गाइस जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था गाइस, हम पहुंच चुके थे अपने घर से काफी दूर। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहां पर देख कितने बड़े बड़े पेड़ है, और ये हमारे घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ पर गाइस बहुत तगड़े तगड़े जानवर भी हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में देख रहे थे गाइस, हमारे एक हुई थी रैंकों से लड़ाई, और सांपों से भी गाइस बहुत ज्यादा ही लड़ाई हुई थी हमारी। अब हमें गाइस जिस काम के लिए हम आए थे वो काम अब हमें नहीं करना है, क्योंकि गाइस वो काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। टेरर बर्ड को हंट करने आए थे गाइस हम यहाँ पर, फिलहाल वो हम काम कर चुके हैं। हम करेंगे गाइस अपने घर जाएंगे, और घर जाने से पहले हम करेंगे गाइस 2 से 3 जानवरों को टेम, जो गाइस हमें जो जानवर अपने घर के आसपास नहीं दिखते हैं वो जानवरों को हम आज टेम करेंगे। और गाइस हमने यहाँ पर एक छोटा सा कॉटेज टाइप बनाया हुआ है, उसमें गाइस हम आराम से अंदर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर गाइस पूरा 2 जगह पेड़ भी लगाया हुआ, क्योंकि गाइस हम यहाँ पर सो भी सकते हैं। और ये गाइस हमारी कैंप फायर, इसमें भी गाइस कुछ मीट के पीसेस अभी पड़े हैं, 18 मीट के पीसेस पड़े हैं गाइस, और 20 हमारे पास है, तो हम इनको ले लेते हैं। क्योंकि गाइस हम करेंगे गाइस किसी जानवर को टेम, उसके लिए मीट चाहिए होगा, तो हम उसको मीट खिलाकर टेम कर सकते हैं। हम भी थोड़ा सा गाइस खाना खा लेते हैं, और एक इसको भी ले लेते हैं गाइस, क्योंकि गाइस इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम बनाते गाइस इससे नारकोटिक एरो, और नारकोटिक भी गाइस हमारे पास बहुत सारी पड़ी है, और बस 70 नारकोटिक अभी पड़ी है, और हमने 50 गाइस हमने अभी तक बना लिए हैं, ठीक है। इसमें 26 है, उस 26 को हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया इसमें से, और इसको लेकर इसमें कर देते हैं। और ये इसमें गाइस पहले से 3 पड़ी है, और यहाँ पे है 26, तो ये गाइस हो गया अंदर, ये बची 29, और 3 हमारे पास ये पड़े, इसको क्या बोलते गाइस, स्लप्ड मीट, यानी गाइस खराब वाला मीट होगा मेरे हिसाब से। इसको गाइस बना देते हैं, 28 हमने पहले भी बना लिए नारकोटिक एरोस बनाने के लिए। गाइस एक नारकोटिक एरो बना लेंगे तो एक लगता है, तो इसमें हमारे पास गाइस हो जाएंगे 30 से ऊपर नारकोटिक एरो। जल्दी से इसको बनने देते हैं। और हमारा गाइस जानवर क्यों आवाज़ कर रहा है, ये तो आवाज़ करता ही है। इसको गाइस हम लेकर आए, तो इसको लाने से गाइस बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। अगर हम अपना कोई और कोई दूसरा जानवर लाते ना गाइस, तो यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसमें गाइस 9 और पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास स्लप मीट खत्म हो चुका है, तो इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। हम जल्दी से क्राफ्टिंग में जाकर अपने नारकोटिक एरो बना लेते हैं, ये हमारी नारकोटिक एरो, इसको जल्दी से बना लेते हैं। गाइस यहाँ पर एक प्यारा सा झरना भी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वो झरना है गाइस जिसके अंदर मुझे गिरना नहीं है। यहाँ से गाइस पानी आकर इस झरने में गिर रहा है, पानी आगे जा रहा है यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे भी एक और झरना है, दो झरने हैं गाइस यहाँ पर। अब चलते गए जल्दी से आगे। हमारी नारकोटिक एरो भी मेरे हिसाब से गाइस बन चुकी है सारी, 35 नारकोटिक एरो बन चुकी है गाइस हमारे पास। और नारकोटिक एरो को हम कर देते गाइस इसमें ट्रांसफर, क्योंकि इससे ही हम चलाएंगे नारकोटिक एरो, दूसरे से थोड़ी चलाई जाएगी। हाथों से तो फेंकेंगे नहीं गाइस, और हाथों से फेंकेंगे जब भी कौन सा जानवर को लगी जाएगी। जल्दी से गाइस इसके ऊपर बैठते हैं, चलते गए थोड़ा सा आगे, और अपना एक बार मैप और चेक कर लेते गाइस एक बार। ये हमारा मैप है, मैप हो गया, थोड़ा सा हम इधर की तरफ चलेंगे, फिर हम वापस आएंगे, क्योंकि गाइस हमें झरने की तरफ से वापस अपने घर जाना है, और हमारा घर है गाइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर है, कम से कम 3 से 6 किलोमीटर वहाँ से जाएंगे गाइस भाग कर। और इसकी गाइस जो भागने की जो स्पीड है वो तो सही है, पर ये कम देर के लिए भागता, आगे कुछ मुझे एक जानवर दिख रहा है, जानवर नहीं है गाइस, ये एक है डियर, सॉरी गाइस डियर नहीं बियर, ये ब्लैक बियर भी गाइस आगे, एक ब्राउन बियर भी है, तो हम इनको गाइस आराम से मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं गाइस, फिर मेरे को लगता है जब तक मेरे को छेड़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं। घर की तरफ चलते गाइस, आगे एक जानवर दिख गया, हमें इसको टेम करना है गाइस। इसका जो बिहेवियर है वो हमें पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं है, अगर हम इसको मारे भी
तो भाग भी सकता है यहाँ से। अब हम निकाल लेते हैं इसको, उसको मारना शुरू करते हैं। आगे गाइस ये अभी भागेगा या आएगा? आ रहा है गाइस। इसको मारते रहते हैं, इसको मारते रहते हैं गाइस, होएगा तो देखी जाएगी। चल चल मारेगा इस, सही गाइस क्या करेगा दस। इसको गाइस हम मार चुके जब भी कुछ नहीं हो रहा है। ये हो चुका है गाइस टेप, यस गाइस। चलते गए जल्दी से इसके पास, इसको कर देते गए टेम। आगे गए एक ब्राउन बियर और आ रहा है, इसके ऊपर ही बैठ रहेंगे गए, हम भागेंगे नहीं यहाँ से। यहाँ पर गए जल्दी से, मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ इधर की तरफ, इसको गए करते जल्दी से टेम। ही हो चुका है अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस के लिए गए इसमें मेरे को बैरिज डालनी होगी ना, तो मैं इसकी गए इन्वेंट्री से बैरिज निकाल लेता हूँ। 207 बैरिज है, और ये भी गए 295, इसको भी डाल देते हैं, और इसको करते गए जल्दी से इसकी इन्वेंटरी में हम डाल देते हैं। और ये गाइस इसकी इन्वेंटरी में डल चुका है, इसका टेमिंग भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। टेमिंग इसके स्टार्ट हो चुका है, 2.7% टेम हो चुका है। और ये गाइस ये मेल है ना, यस गाइस ये मेल है, तो गाइस ये डरने वालों में से नहीं है। आ गया गाइस, कोई जानवर आया पीछे की तरफ से, इसको टेम करते हैं ना गाइस। अरे टेम हो जाए यार, टेम करेंगे तेरे को। लग गया गाइस, और बाद 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 भाई ये गाइस यहां फंस चुका है मेरे को लग रहा है। चल 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 चल, गोली मार गोली मार गोली मार, मर गया गाइस ये। चल 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 मेरे भाई, चल चल चल। ये गाइस इसने, सो गाइस हम दोबारा से उसी जगह पर दोबारा से आ चुके हैं, और हमारा गाइस सामान भी सारा वहीं पर ही होगा, हमारे पास गाइस एक भी सामान नहीं है फिलहाल। जल्दी से इसको खोलते हैं, पहुंचते गए जल्दी से वहीं पर ही। थोड़ा सा गए वहाँ पर डियर, वो उस बियर को भी देखकर फिर चलेंगे। फिर वो बियर मेरे को लग रहा है इधर ही खड़ा है, नहीं गाइस ये एक पत्थर है, तो गए वो टेम हो रहा है अभी भी। इधर ऊपर चल के देखते गए जल्दी से, अगर वो बियर अगर इधर होगा ना गाइस तो मैं जाने नहीं वाला हूँ वहाँ पर। यस गाइस वो बियर अभी यहीं घूम रहा है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा हटे तो मैं जाऊँ, और ये अगर हटेगा नहीं तो गाइस मैं भी। बियर गया गाइस, ये गाइस 30% टेम हो चुका है। अब हम गाइस अपनी सोर्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सोर्ड सोर्ड को गाइज अपने पास ही रखेंगे, गाइज अगर वो आ भी गया तो हम उसको गाइज इस बार भगा भी सकते हैं मारकर। यहाँ पर गाइज उसका सामान भी नहीं है हमारे, टीरेक्सोरस नहीं गाइज, ट्रिकेसोरस गाइज ये रहा सारा सामान, इसको हम उठा लेते हैं। सो गाइज फाइनली यहाँ पर टेम होने ही वाला है, क्योंकि गाइज 99.7% टेम हो चुका है। हमें गाइस वापस भी जाना, और कौन से जानवर वापस बैठ के जाएंगे, इसकी सेटन हमारे पास वापस है नहीं। ट्रिकेसोरस का हम दोबारा बुला नहीं सकते क्योंकि गाइस वो मर चुका है। अब हमें क्या करना होगा, तो गाइस फाइनली यहाँ पर ये टेम हो चुका है। अभी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, मेरे को डर और लग रहा है कहीं मेरे को ही नहीं चीज डाले। कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, यस गाइस ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है,
ये फोर्थ लेवल का। जल्दी से गाइस अपने जो घर है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा घर ही गाइस मेरे को लगता है मैं खो गया। दिखे नहीं गाइस इधर की तरफ जाना है। चल भाई आ जा। देखा जी हमारा घर यहाँ पर आ चुका है। छोटा सा हमने घर बनाया था और वो आ रहा है गाइस हमारे पीछे पीछे। हमारा जो नया जो जानवर है गाइस वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उस नए को गाइस टेम करने के चक्कर में हमने उस पुराने को मार डाला। इस वजह से गाइस इसकी लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो हेल्थ है गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अभी देख सकते हैं गाइस हम इसकी गाइस एक सैडल बना लेते हैं। इसकी एक्सपी ओनली 2 है। इसकी सैडल गाइस हमें देखनी होगी। सो गाइस इसको टेम करते करते रात हो चुकी है। गाइस यहाँ पर मैं इससे डर जाता हूँ गाइस कभी कभी भी इतना बड़ा होता है और मैं इसको गाइस यहीं रोक देता हूँ। एक विसिल मार कर देते गाइस स्टॉप। ये यहीं पर ही रुका रहेगा जब तक मैं। सो गाइस बस फिलहाल के वीडियो से इतना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन आए उसे भी प्लीज दबाएं ताकि कोई डस्ट नोट फिर 2000 पर जाए। तो गाइस गुड बाय।